खाना ये मोहल्ला दिन पर दिन सूना होता जा रहा है। जनाब, असल जिम्मेदारियों से शिरकत हुई है, वो भी ऐसे समय पे। न जाने कितने और पहलुओं से मुशतरक करवाए गए हैं। हमारे भाइयों और बहनों, नवाब आसफुद्दौला का फरमान है, सबको ज़रिया माश से मुतालिक करवाया जाएगा। नवाब के ख़ास मगरिब के बाद और बाकी फजर के बाद आपका ज़रिया माश आपका इमाम बाड़ा। गोश इबरत से सुने कोई मेरी फरियाद, बुलबुल खूनिन नबाए बोस्तान। मेरे हर आंसू में एक आईना है, तस्वीर है, मेरे हर नाले में है तर्ज फुगान अवध। जनाब एक मरतबा और हमारी तमन्ना है। आप नफ्स की तमन्ना पूरी करने में मशगूल हैं और नफ्स आपको बर्बाद करने में। खैरियत अनीस मियाँ, बस आपकी दुआएं हैं और उसकी बरकत। तशरीफ़ फरमाएं। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। यहाँ की रौनक पे वक्त ने लगाए हैं चार चांद जनाब, मगर भूलिए मत, दरिए का पानी चाहे जितना भी ऊंचा उठ जाए, वक्त के तकाजे के सामने झुकना ही पड़ता है। हमको तो इन फिरंगियों के तौर तरीकों पे बड़ी बेयकीनी होती है। इस दरिये की अहमियत से वाकिफ हो ना हो, इस अवध की कहानियाँ हो ना हो, यही है हमारा वजूद जिसने हमें बनाया है। करीब एक दूसरे को जोड़ा है, याद आए जब भी एक दूसरे की, याद रखो यही है, बस यही है, एक दरिया जिसने सब देखा है। बचा है ना कास, गुलामी सांस घोटती है अब। ए दरिया, अब तू ही बता क्या होगा इस वक्त का अंजाम। पिताजी कहते थे, जब कुछ रास ना आए तो अपने अंदर के रास को टिटोलो, जो आपके लिए सबसे खास है, जो अवध की शान है, इसको आगे ले जाओ। कहते हैं हर बात जुबां से, हम इशारा नहीं करते। आसमां पर चलने वाले जमीन से गुजारा नहीं करते। हर हालात को बदलने की हिम्मत है हम में, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। तकलीफ होती है जब अपने ही अपनों को काट खाने के लिए दौड़ते हैं। कौन है ये लोग जिन्होंने अवध की तहजीब की ऐसी तौहीन की है जिससे उभर पाना इस जिंदगी का मसला तो नहीं लगता। अवध हम में बसता है और हमारे जैसे कई लोगों में, और हम अवध में बसते हैं। अवध ने हमारा साथ गुर्बत में दिया है और ऐश में भी। सब मिट जाएगा, अगर बचेगा तो सिर्फ ये अवध और यहाँ की तहजीब। आपने हमारे बारे में नहीं सोचा, क्या होगा हमारा यहाँ, इस घर का क्या होगा। यह इतिहास लिखा भी जा रहा है और मिटाया भी जा रहा है। ये सफर आसान नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं मगर शहर रहता है हमेशा। अवध हमसे जाना जाता था और हमसे ही जाना जाएगा। लोग और उनकी कहानियां, अच्छी और बुरी,